कुटिया फगरमान और हमरे गांव के हैं बाला रेखा है और बालेश्वर डायसिस के लगे काम करा था और एक गुटी डुबा मयूरभंज जिला के गुटी डुबा बारिश में काम करें स्कूल और बारिश में हमारे फादर के भी हम मेहमान आइज के मिसा समारोह में स्वागत करब और जय जीशु कहा और हमारे बीच में फादर ललित सोरेन संबलपुर धाम प्रांत के फादर रखा है और एखन राब का मजा पड़ा बारिश में रहे ना और स्कूल में आए हॉस्टल आए वहाँ के इंचार्ज फादर रखा है बोले फादर के भी हमें हार्दिक स्वागतम और जय जीशु का और आज साथ में सिस्टर के परिवार के जैत गोतिया सिस्टर मान भी आए उमान के भी हमें स्वागत जने और जितना भी जैत गोतिया कुटुम और गांव के सब आई बाबा भाई और बहन मान ये धन्यवादी मिसा में हमरे मान सिस्टर के नाम से जमा हुई ये विशेष मतलब के लेके हम ईश्वर के धन्यवाद देवा और परिवार लगी और सिस्टर के जीवन और ब्रदर राज किशोर डुमडुम जे की पहला माना कापुचिन समाज में ले जाए उनका जीवन और बुराहट लगी भी हमें विनती करा बोले चलो तब हमारे मन ये मतलब के रखते हुए और ईश्वर के धन्यवाद देते हुए सिस्टर के जीवन और बुराहट लगी धन्यवाद देवा और ये पवित्र मिशा बलिदान में भक्ति रूप से भाग ले जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु कृष्ण की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो Hey!
Thank you.
से गरम या युग सावेल एनी के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था। उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थी। किसी दिन ऐसा हुआ कि एली अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसने पुकार, सावेल सावेल। सावेल ने उत्तर दिया, बोलो तेरा सेवक सुन रहा है। तब प्रभु ने सावेल से कहा, देखो मैं इसराइल में वह काम करने वाला हूँ जिसके विषय में सुनकर सब लोग चकित रह जाएगा। प्रभु की वाणी। Thank you.
संत लोकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 17 वचन संख्याएं 11-19 तक। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्र से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से किया है, यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। इसमें प्यारी सो पुरोहित भाई मान, प्यारी आया बाप भाई बहन मान, और इस के मुख्य आकर्षक सिस्टर मेरी मैक्सिमिन और कर आया बाप, और जितना भी यहाँ उपस्थित छोटे बड़े सभी मान, आइज आयो हिल्दा आओ अबा एरिक वाल्टर डुंगडुंग के परिवार में ईश्वर के धन्यवाद देवे और जे कृपा और आशीष परिवार में अनुभव कर रहे हैं और सिस्टर के जीवन में अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के धन्यवाद देवे और अपन खुशी के प्रकाश करे लगी ये जगह में हमारे सब मान साथ में मन खुशी में भागीदार हो लगी जमा हुई और ये धन्यवादी विषय में हमें धर्म भाग ले जाती। हमरे मान सिस्टर के जे अंतिम मन्नत के पूरा करना है उकर लगे सिस्टर के हमें बधाई जुनवा और आगे जीवन में भी जे लेखे प्रभु के अपन जीवन का अर्पित कर रहे हैं समर्पित कर रहे हैं बेस में रह के आगे जीवन में भी प्रभु के साथ में साथी बन के ईश्वर के सेवा और मानवा के सेवा लगी आगे बढ़ते जाए। मैं पूछा रहा हूँ कौन समाज के बोले सिस्टर कहलाए, लेकिन उमन के समाज के पूरा नाम हमरे सो मन के काठिन लगे, लेकिन समाज के नाम जैसन काठिन शायद जीवन भी वह लेखे काठिन, लेकिन वह जीवन ईश्वर जीवन के सिस्टर चुन और वह बुलाहट के ईश्वर के हाँ कहा और वह जीवन में समर्पित जीवन रूप में आगे बढ़ना है। पहले मैं पूछा रहा हूँ बिना मोबाइल एखान के जमाना बिना टीवी टीवी देखिल कि नहीं रहे ना टीवी नहीं देखी मोबाइल नहीं टीवी नहीं कि बाहर जाए कि नहीं बाहर भी निकले कि नहीं मुख्य अच्छा बीतने पड़ गला यद्यपि हमारे समर्पित मानव मन के सेवा लगिन दे फिर भी सिस्टर मनक जीवन अलग से और वह जीवन के सिस्टर चुन लें और कहलाए आराधना आराधना समाज के हमें जानल जाए और आराधना माने ईश्वर संगे 24 घंटा पूरा पूरी प्रार्थना करे विनती करे आराधना करे ईश्वर संगे सम्मिलित हो यही के बात रहे आओ ये हमार मनवा सहज ना लगे मानव तो जीवन लगे सहज ना लगे लेकिन सिस्टर मेरी मैक्सिमी उके चुन लाए ईश्वर के जे उपस्थिति के ईश्वर संगे साथ रह के काल के अनुभव लगे उके महसूस करके उके हाँ के अपन जीवन के समर्पित कर लाए और अंतिम मना तक भी सिरा लाए। कहे गेले सिस्टर यीशु के कागज दे है दिल दे है दे है कि नहीं दे है कि नहीं एक तो गीता है दिल दिया मैंने यीशु को दिया
दिल दिया मैंने यीशु को दिया, प्यार किया मैंने यीशु से किया, प्यार किया मैंने यीशु से किया। बोले प्यार और दिल, सिस्टर ईश्वर के देह है, अपन दिल और प्यार और सब कुछ यीशु लगिन देह है, से लगिन एक डायलॉग या तो कहावत है हमरे बांग। हमारे सब फादर सिस्टर और हर भाई बहन मन लगिन विनती करब जे मन की हमार धार्मिक अगुवाई करें, अब ईश्वर ओ मन के अपन आशीष और कृपा से भय दबाए और दुनिया के मोह माया से बचाए के रखवाए, ताकि ओ मन हमरे के ईश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जी एक लगिन मदद करवाए। एक लगिन अब ईश्वर से निवेदन करा थी। शक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु आपने सेविका के उपहार और निवेदन ग्रहण कर, इन्होंने सुसमाचार के परम मास पर चलने का व्रत लिया है, तू इनका व्रत अपने प्रेम के सुदर का दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। हम अपने प्रभु
पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर यह अवस्था में उचित और संगत है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु कृष्ण के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। ये परम कुमारी मरियम के गर्भ से और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्ट फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। We'll be right back.
Thank you.
दे।